हे गाइस, मैं अंतरा आप सबका आपके अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए अररिया, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैं अपना सामान वामान पैक कर रही हूँ। और यहाँ पे राहुल जी आके बोल रहे थे कि पापा का तबीयत सही नहीं है, तो पापा को भी लेके चलते हैं। तो बस उनसे मैं बातें कर रही थी। और गाइस वीडियो फुल एंजॉय कीजिएगा। तो फटाफट मैं पैकिंग कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि पैकिंग करने में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ से जो सामान लेके आते हैं फिर यहाँ से खोज खोज के उस सामान को, मतलब ढूंढ ढूंढ के सामान को लेके जाना पड़ता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो फुल एंजॉय कीजिएगा और फुल देखिएगा। आप सबका बहुत सारा कमेंट आता है कि मतलब ससुराल वाले में अब जाते हैं तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारा काम होता है और नेटवर्क इशू वहाँ बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और यहाँ पे हमारा सामान टोटल पैक हो चुका है और सामान जा रहा है अब गाड़ी में, क्योंकि हमारे जो गाड़ी है वो उसमें सब आदमी नहीं आएंगे, इसलिए दूसरा गाड़ी भी पैक हुआ है। तो ये घर का जो सामान बचा हुआ था वो सब पैक हुआ है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। सारा सामान पैक हो चुका है हमारा, कुछ सामान गाड़ी में डाल चुके हैं और बाकी का जो भी सामान है वो जा रहा है। और मैं आपसे बताऊं कि इस बार मैं अकेले नहीं जा रही हूँ यहाँ से। मेरे पापा, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरी जो ननद यहाँ रहती हैं वो, उनके साथ जा रही हूँ, उनको लेके जा रही हूँ। और बस पापा का तबीयत सही नहीं है तो उनको यहाँ छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी का भी तबीयत सही नहीं रहता है, तो इसलिए सोचे उनको लेके ही चलते हैं। सबसे अच्छा वही ऑप्शन था मेरे पास, क्योंकि यहाँ मैं वहाँ पे राहुल जी को खाने का प्रॉब्लम है, मैं उन्हें वहाँ नहीं छोड़ के यहाँ रह सकती, तो उससे अच्छा है कि सारी फैमिली में एक साथ ही रहे। तो चलिए, बाकी का बात तो आपको पता चलेगा ही धीरे धीरे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और ये वीडियो मेरे भांजा ने शूट किया है। अब देख सकते हैं, एक हमारा वाला गाड़ी और एक हमने गाड़ी जो वो था ना रेंट पे, वो हमने गाड़ी लिया एक, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 घंटा लग जाता है जाने में, तो बड़ा गाड़ी तो चाहिए और सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। हम सबका सामान, मेरा तो ऑलरेडी 4 बैग पहले से ही था और दीदी का सामान, मम्मी का सामान, सबका जब मिला के बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं गाड़ी बुक कर ली थी कि 6 घंटा के, मतलब परेशानी ना हो किसी को। तो फिर चलिए चलते हैं फटाफट और वीडियो फुल एंजॉय कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आई नो कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने कुछ दिखाया नहीं इस ब्लॉग में, बट ऐसे ही ब्लॉग बन पाया, मैं कुछ कर नहीं पाई।
नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा आएगा बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, बट प्लीज़ मेरी इस व्लॉग को भी आप सब सपोर्ट कीजिए। जो भी थोड़ा बहुत था वो मैंने शूट कर लिया, आप सबको पता है मेरी तबीयत सही नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ मैंने शूट कर पाई, बट जितना भी शूट कर पाई आप सबके साथ मैंने शेयर किया। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं, उसके बाद एक जगह रास्ते में हम लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम अररिया पहुँच जाते हैं। चलिए गाइस, वीडियो फुल इन्जॉय कीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में।